मुजफ्फरपुर की तमाम जनता को सुरेश कुमार महापौर की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण पर्व को मनाएं। ये बहुत ही बढ़िया पर्व है। मैं राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 23, सदस्य सशक्त स्थायी समिति मुजफ्फरपुर नगर निगम मुजफ्फरपुर, इस ईद के पर्व में मुजफ्फरपुर के तमाम मुस्लिम भाइयों को मैं अपने तरफ से, अपने वार्ड की जनता एवं शहरवासियों को तहे दिल से शुभकामना देता हूं। मैं संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड सेवक, वार्ड संख्या वार्ड 20 मुजफ्फरपुर नगर निगम, इस पावन धरती पर हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके बच्चों को ढेर सारा प्यार, और हमारी ओर से, हमारे वार्ड की जनता की ओर से तमाम मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को, उनके बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शेरू अहमद, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 44 मुजफ्फरपुर, के सभी सम्मानित जनता, वार्ड की जनता और देशवासियों को ईद की विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग ईद मनाएं, यही हमारी अपेक्षा है। पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोगों के बीच आए और हजारों लोगों के बीच उन्होंने सबको ईद की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पूरे आवाम को कहा कि इसी तरीके से भाईचारे और दोस्ताना व्यवहार में रहने से बिहार की तरक्की होगी और आपसी मेलजोल बढ़ेगा। इस तरीके की किसी भी त्यौहार से भाईचारगी बढ़ती है और आपसी मेल जोड़ बढ़ता है। समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव बढ़ता रहे, एकता रहे, और पूरे शांति के साथ समाज में दूसरे का सम्मान, दूसरे समाज बहुत आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। यही प्रार्थना करते हैं सब कि बिहार में जो स्थिति संभावित है कि फिर इस वर्ष की कुछ सूखे की संभावना है, वैसी स्थिति में सब हुआ करें, यहाँ समय पर वर्षा हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अधिकारों से कुछ नहीं होता है, तो ऐसी हमारी दुआ है कि हम सब लोग जो भी इसके शिकार हों, जो भी बिहार में किसी चीज़ की कमी हो उसको पूरा कर सकें, हम सब मिलकर काम करें और इसमें कामयाबी हासिल करें। आज हम यही प्रार्थना करें और मिलकर के हम सब लोग काम करें। और आज जो समाज में एक दूसरे के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये बंद होना चाहिए और सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। तो तमाम लोग जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद जो है आप सब में जो है अस्सलाम वालेकुम। मैं तमन्ना हाशमी, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के तमाम दर्शकों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार लेके आए, यही मेरी दुआ है। आप सभी को ईद मुबारक। जय कुमार झा, पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड 41। हम इस ईद के महान पर्व पर जहां हम लोग साथ, हिंदू और मुस्लिम साथ बैठ के रोज़ा रखते हैं, हम तमाम मुस्लिम भाइयों से इस ईद के महान पर्व पर खुशी पूर्वक, भाईचारा पूर्वक पर्व मनाने का अपील करते हैं। मे
मेंस वेयर फैशन की दुनिया में जाना पहचाना नाम मेंस वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ ईद के मौके पर 31 मई से आरएस मेंस वेयर श्याम सिनेमा कैंपस मुजफ्फरपुर बिहार।